मॉर्निंग एवरीवन। आज हम बात करेंगे डायबिटीज़ के बारे में। डायबिटीज़ को हम मधुमेह, शुगर की बीमारी और भी बहुत सारे नामों से जानते हैं। डायबिटीज़ में शुगर लेवल अपने बॉडी में इंक्रीज हो जाता है, ग्लूकोज लेवल ब्लड में इंक्रीज हो जाता है। इंसुलिन नाम का जो हार्मोन है पैनक्रियास से सीक्रेट होता है, वो अपने ग्लूकोज लेवल को कंट्रोल करता है। जब इंसुलिन डिस्टर्ब होता है तब ग्लूकोज लेवल अपने बॉडी का डिस्टर्ब होता है। पहले दो कंडीशन देख लेते हैं, हाइपरग्लाइसेमिया और हाइपोग्लाइसेमिया। इसमें होता क्या है, जब इंसुलिन लेवल आपका बढ़ जाता है और ग्लूकोज लेवल ब्लड में कम हो जाता है तब उसको हाइपोग्लाइसेमिया कहते हैं, क्योंकि ग्लूकोज लेवल ब्लड में कम है। जब इंसुलिन सेकेंड कंडीशन, जब इंसुलिन का लेवल आपका डिक्रीज हो जाता है, कम हो जाता है, उसके वजह से ग्लूकोज लेवल आपके ब्लड में बढ़ जाएगा, उसे हम हाइपरग्लाइसेमिया कहते हैं। इसे मैनेज करना बहुत इंपॉर्टेंट है, सीवियर कंडीशन में आती है। चलिए अब देख लेते हैं कुछ कॉमन टाइप्स ऑफ डायबिटीज़। पहला टाइप है डायबिटीज़ मेलाइटिस। डायबिटीज़ मेलाइटिस में आपका ग्लूकोज लेवल ब्लड में बढ़ जाता है। डायबिटीज़ मेलाइटिस के दो टाइप है, टाइप 1 डायबिटीज़ और टाइप 2 डायबिटीज़। टाइप 1 डायबिटीज़ ऑफ डायबिटीज़ मेलाइटिस में क्या होता है, पेनक्रियास जो पेनक्रियाटिक डक्ट जो इंसुलिन हार्मोन सिक्रीट करती है वो बनाना ही बंद कर देती है, मतलब इंसुलिन सिक्रीट ही नहीं होता। ये कॉमन कंडीशन है, पाई जाती है यंग एज ग्रुप में या बच्चों में। ये जेनेटिक होती है, अगर फैमिली हिस्ट्री है आपको तो ये टाइप आपको डायबिटीज़ का हो सकता है, टाइप 1 डायबिटीज़। नेक्स्ट इज टाइप 2 डायबिटीज़, डायबिटीज़ मेलाइटिस का टाइप 2। इसमें आपका इंसुलिन लेवल प्रॉपर अमाउंट बन रहा है लेकिन आपका सेल इंसुलिन को एक्सेप्ट ही नहीं करता, उसे हम इंसुलिन रेजिस्टेंस भी कहते हैं। ये टाइप डायबिटीज़ टाइप 2 होता है जब आपका इंसुलिन सेल एक्सेप्ट नहीं करता, इसीलिए आपको ये डायबिटीज़ होती है। सेकेंड इज डायबिटीज़ इंसिपीडियस। पहले हमने देखा डायबिटीज़ मेलाइटिस, अब डायबिटीज़ इंसिपीडियस। इसमें आपका ग्लूकोज लेवल ब्लड में नॉर्मल रहता है लेकिन आपकी किडनी फिल्टर नहीं करती प्रॉपरली ग्लूकोज को, तब हमको होता है डायबिटीज़ इंसिपीडियस। थर्ड टाइप इज जेस्टेशनल डायबिटीज़। ये औरतों में होता है जब वो प्रेग्नेंट होती हैं, डिलीवरी के टाइम जब ग्लूकोज लेवल शूट हो जाता है उसे हम जेस्टेशनल डायबिटीज़ कहते हैं। वो टेम्प्रेरी होता है, बाद में वो मैनेज हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं कि डायबिटीज़ होता क्यों है, उसके थोड़े बहुत कॉजेज जो कॉमनली आप अवॉइड कर सकते हैं। फर्स्ट इज हार्मोनल इम्बैलेंस। अगर बॉडी में कहीं भी हार्मोनल इम्बैलेंस होता है तो आपको डायबिटीज़ हो सकती है। जैसे इंसुलिन इम्बैलेंस हो रहा है अपना तो आपने को डायबिटीज़ पॉसिबल है। नेक्स्ट इज वेट गेन, ओबेसिटी है, अगर आप ओवरवेट हैं तो आपको डायबिटीज़ पॉसिबल है। फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, सेडेंटरी लाइफ है, बैठ कर आप पूरा दिन गुजार रहे हैं तो डायबिटीज़ इज़ पॉसिबल। नेक्स्ट फैमिली हिस्ट्री है अगर आपको तो हो सकता है, ब्लड प्रेशर की बीमारी है या कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ है, कोई भी हार्ट की बीमारी है, तो अगर आप अल्कोहल इंटेक कर रहे हैं तो भी पॉसिबल है आपको। जेस्टेशनल डायबिटीज़ अगर प्रेगनेंस है, डिलीवरी के टाइम पे ग्लूकोज शूट हो रहा है तो भी आपको डायबिटीज़ पॉसिबल है। पेनक्रियाटाइटिस है अगर आपको पेनक्रियास का कोई इन्फेक्शन है तो भी आपको डायबिटीज़ हो सकती है। ये सारे कॉमन कॉज हैं जिसके वजह से डायबिटीज़ हो सकती है। चलिए अब देखते हैं नॉर्मल रेंज क्या है। आप कैसे पता करेंगे रिपोर्ट देखकर कि डायबिटीज़ है या नहीं, अगर आप ब्लड टेस्ट करते हैं और उसमें आपका रेंज 100 के अंडर आता है, 100 के अंदर आता है तो आपको डायबिटीज़ नहीं है। अगर आपका रेंज 100 और 125 के बीच में आता है तो आप प्री डायबिटिक हैं, मतलब आपको डायबिटिक हो सकती है, इसीलिए आपको प्रिकॉशन लेना है, आप प्री डायबिटिक हैं। अगर आपका रेंज 125 के ऊपर आता है तो आप डायबिटिक हैं, आपको प्रॉपर मैनेजमेंट और ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। चलिए अब देखते हैं सिम्टम्स क्या है, डायबिटीज़ है आपको, ये आप कैसे पता कर पाएंगे। सबसे मेन सिम्टम है डायबिटीज़ का पॉलीयूरिया। आपको पेशाब बार बार लगेगी, आपको बार बार यूरिन पास करने का सेंसेशन आएगा, ये है सबसे मेन सिम्टम। नेक्स्ट इज थर्स्ट, आपकी बॉडी डिहाइड्रेट हो रही है, आपको प्यास ज़्यादा लगेगी, इसीलिए जब भी आपको प्यास लगे आप प्लीज़ ये सोचें कि आपको डायबिटीज़ हो सकती है, पॉलीयूरिया है अगर तो। वीकनेस, फटीग, कमज़ोरी रहेगी, थकान रहेगी, कुछ काम करने का मन नहीं करेगा, आपका वेट लॉस होना स्टार्ट हो जाएगा, कमज़ोरी आने लगेगी और आपके आईसाइट पे भी फ़र्क पड़ेगा, ब्लर्ड आईसाइट होगा, धुंधला दिखने लगेगा। डायबिटीज़ आपके किडनी पे भी इफ़ेक्ट करती है।
फिर आपका जो वुंड हीलिंग पावर है वो कम हो जाए। अगर नॉर्मल लोगों को इंजरी होती है तो वो हील जल्दी हो जाता है, लेकिन अगर डायबिटिक पेशेंट है तो उसका छोटा इंजरी भी बड़ा हो जाता है और वो हील नहीं होता। इसीलिए अगर कोई भी इंजरी डिले हील हो रही है तो आप सोच सकते हैं कि आप डायबिटीज़ के शिकार हैं। इररेगुलर हार्ट बीट है, थकान हो रही, पसीना छूट रहा है, थोड़ा भी काम करते हैं तो थक जाते हैं, ये सारे सिम्टम्स आते हैं डायबिटीज़ में। चलिए अब देखते हैं कि फूड में आपको क्या नहीं खाना है, थोड़ी डाइट डायबिटीज़ के हिसाब से आपको क्या फॉलो करनी है। तीन सब्जियां हैं जो आप नहीं खा सकते, वो है अरुई, पोटैटो और शलजम। ये तीन सब्जियां जो आप नहीं खा सकते। तीन फ्रूट्स हैं जो आप थोड़ा भी नहीं ले सकते, डैट इज़ बनाना, मैंगो एंड ग्रेप्स। इसमें ग्लूकोज लेवल बहुत हाई होता है। नेक्स्ट आप क्या ले सकते हैं, और शुगर की कोई भी चीज़ें आप नहीं ले सकते, चाहे वो केक हो, कॉफ़ी विद शुगर, टी विद शुगर, एनीथिंग विद शुगर यू हैव टू अवॉइड। नेक्स्ट आप डाइट में क्या क्या ले सकते हैं या क्या आपको हेल्प करेगा ग्लूकोज लेवल कंट्रोल करने में। दो ऐसी सब्जियां हैं जो अगर आप इंटेक ज़्यादा करेंगे तो आपका ग्लूकोज लेवल कंट्रोल हो सकता है, मेंटेन हो सकता है, वो है करेला और परवल। ये दोनों सब्जी आप जूस के फॉर्म में या सब्जी के फॉर्म में जितना ज़्यादा इंटेक करेंगे आपका ग्लूकोज लेवल मेंटेन होने लगेगा और डायबिटीज़ कंट्रोल होने लगेगी। और आप सारी ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स ले सकते हैं, उसकी क्वांटिटी आप फूड में बढ़ा दें, ज़्यादातर वही लें, सैलड्स लें। फ्रूट में आप ले सकते हैं एप्पल, एवोकाडो, कीवी और एप्रिकॉट। ये सब आप सब ऐसे ड्रिंक्स हैं जो अगर आप डेली डाइट में ऐड करेंगे तो आपको फ़ायदा होगा ग्लूकोज लेवल मेंटेन करने में। पहली है फेन्यूग्रीक सीड्स, जिसे हम मेथी के दाने से नाम से भी जानते हैं। रात में इसे एक चम्मच भिगा दें एक गिलास पानी में और सुबह पानी के साथ वो मेथी भी खा लें। नेक्स्ट इज एप्पल साइडर विनेगर, एक चम्मच एप्पल साइडर विनेगर रोज़ आप इंटेक करें एक गिलास पानी में मिला के टू मेंटेन योर ग्लूकोज लेवल। थर्ड इज सिनेनम वाटर, दालचीनी का पानी, रात में एक टुकड़ा दालचीनी एक गिलास में भिगा दें और सुबह वो पानी इंटेक करें या दोपहर में जैसे भी आपको टाइम मिले, इससे आपका ग्लूकोज लेवल मेंटेन रहेगा। आप अपने डेली रूटीन में फिजिकल एक्टिविटी बढ़ा दें, वॉक इंक्रीज कर दें, मॉर्निंग में, नाइट में, आफ्टर डिनर आप वॉक ज़रूर करें, चले ज़रूर एक घंटा आधा घंटा जितना भी आपको टाइम मिले या आपकी बॉडी आपके साथ दे। चलिए अब देखते हैं डायबिटीज़ का होम्योपैथिक ट्रीटमेंट, एक ऐसा कॉम्बिनेशन जो बहुत अच्छा काम आता है। अगर आप एलोपैथिक मेडिसिन ले रहे हैं तो उसे डायरेक्टली बंद नहीं करना है, उसके साथ आप ये वाली मेडिसिन होम्योपैथिक की स्टार्ट करिए, फिर डायबिटोलॉजिस्ट के हिसाब से कंसल्ट करते करते आपको टेपर करते करते एलोपैथिक का डोज कम करना है और फिर बंद करना है। चलिए देखते हैं कॉम्बिनेशन जो बहुत अच्छा रिजल्ट देती है, उसमें 5 मेडिसिन हैं। फर्स्ट इज सीजियम जैबोलेनम, सेकेंड इज एब्रोमा एगोस्टा, थर्ड इज सिफ्लेंड्रा इंडिका, फोर्थ इज जिमनेमा एंड फिफ्थ इज आर्सेनिकम ब्रोमेटम। ऊपर के 4 रेमेडी मेडिसिन के मदर टिंचर लेना है, एक खाली बॉटल ले लीजिए, ऊपर के 4 मेडिसिन के 20-20 ml उसमें डालना है, और जो फिफ्थ मेडिसिन है डेट इज आर्सेनिकम ब्रोमेटम उसका 1/4 पार्ट डालना है, मतलब सिर्फ 5 ml डालना है, ऊपर की 20 ml और सबसे लास्ट वाली डेट इज आर्सेनिकम उसके सिर्फ 5 ml डालना है। ये कॉम्बिनेशन आपको प्रिपेयर करके रख लेना है, रोज़ दिन में 3 बार लेना है, एक गिलास पानी लें उसमें 20 ड्रॉप ये कॉम्बिनेशन का आपको डालना है, दिन में 3 बार, खाने से आधा घंटा पहले लेना है, बिफोर मील है। अगर आपको पैंक्रियाटाइटिस है या डायबिटीज़ टाइप 1 है डायबिटीज़ मेलाइटिस का, तो एक मेडिसिन है जो बहुत अच्छा काम करती है ऑन पैंक्रियाज, डेट इज़ पैंक्रियाटिनम 30 CH, 30 पोटेंसी लेना है, 2 ड्रॉप्स ऑन योर टंग, 2 बूंद जबान पे डायरेक्टली लेना है दिन में 3 बार। ये बहुत अच्छा वर्क करेगी, बहुत अच्छा रिजल्ट देगी। ये आप पहले वाले कॉम्बिनेशन के साथ ले सकते हैं, इसे खाने के बाद लेना है, ज़रूरी नहीं है कि आप खाने के पहले लें, और वो कॉम्बिनेशन खाने के आधा घंटा पहले लेना बिफोर मील है। अगर आपको ये वीडियो से थोड़ी भी बेनिफिट मिली हो या इन्फॉर्मेशन से थोड़ा भी फ़ायदा हुआ हो तो प्लीज़ गाइज सब्सक्राइब माई चैनल, डू कमेंट, लाइक, शेयर माई चैनल। थैंक यू गाइज, बाय।